बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब, और इनके बारे में मैं आपको पहले डिटेल में बता दूं। कुछ लोगों के कबाब टूट जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल रेसिपी कि ये कबाब बिल्कुल भी फ्राई करते हुए देखें नहीं टूटेगा, बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। इनको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी, फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, गेस्ट के लिए कैसे कर सकते हैं, ग्रेवी वाला सालन बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो के साथ बंधे रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और डिटेल में देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे तैयार होंगी। सीख कबाब बनाने के लिए चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक प्याज, दरमियाने साइज का कट कर लिया है। ग्रीन चिलीज मैंने कट कर ली है 3 से 4। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हल्का सा चटपटा करने के लिए 1/2 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 मैंने ले लिया अंडा जो कि मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अंडे को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। सीख कबाब बनाने से पहले हम इसको मैरिनेट करके चिकन को रख रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेशन के लिए रख सकती हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा मैरिनेट करके रखना ज़रूरी है। इस तरह कबाब जो हैं बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से जायके के तैयार होंगे। इसको अब हम छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर ठंडा मौसम है तो इसको रूम टेम्परेचर पे आप छोड़ सकते हैं, अगर मौसम गर्म है तो आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें, बाहर से ना छोड़ें। इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए हम छोड़ने लगे हैं, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कि इसके साथ हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ये देखें जी, जो हमने चिकन बोनलेस मैरिनेट किया है उसकी कंडीशन अब कुछ इस टाइप की मैरिनेशन के बाद हो चुकी है। अब इसको मैं मीट चॉपर में डाल के इसको अच्छा सा कीमा बारीक सा बना लूँगी। इसको अब हम मीट चॉपर में शिफ्ट कर रहे हैं चॉप करने के लिए। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ घी, इसमें जो चिकन मैंने चॉपर में डाला है। धनिया मैंने कट किया हुआ है वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। जितना आपको धनिया पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं, यह आपके टेस्ट के मुताबिक है। ये मैंने ले लिया 1 ब्रेड का स्लाइस जो कि मैंने बारीक कर लिया है हाथ की मदद से। अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम बंद करके अच्छी तरह कीमा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कीमे को हमने अच्छी तरह बारीक सा पीस लिया है। अब इसके हम बनाएंगे सीख कबाब और आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाने हैं। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल हम अपने हिसाब से ले लेंगे जितना हमने फ्राई करना है कबाबों को। ये मैंने ले लिया स्टिक। स्टिक की मदद से मैं कबाबों को शेप दूंगी। यहाँ पे कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है पानी। ऑयल भी ले सकते हैं आप, ऑयल की मदद से भी कबाबों को शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्टिक है, स्टिक की हेल्प से मैं इसको दूंगी शेप ऐसे। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा तैयार हुआ है कि स्टिक के ऊपर बहुत अच्छी तरह कवर अप हो रहा है।
अब स्टिक से इसको मैं उतारूंगी और फ्राई पैन में फ्राई करने के लिए साथ साथ डालती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने फ्राई के लिए कबाब डाल दिया है, साथ साथ मैं शेप दूंगी और साथ साथ ही मैं कबाबों को फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी। आपने अगर एक साथ बना के रखने हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखें जी, साथ साथ ये रेड हो रहा है और साथ साथ मैं इनको टर्न कर रही हूँ। टर्न करते जाना है इनको, अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ जाए। तमाम कबाबों की मैं साइड चेंज कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। एक तरफ से अभी ये लाइट कलर आया है, इनको अच्छा सा हमने गोल्डन कलर में फ्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज कैसे करेंगे? अगर आपने सालन तैयार करना है इनका, सी कबाबों का, तो वो बनाने के लिए आप इनको फ्राई करके फ्रीज कर देंगे। लेकिन अगर गेस्ट के लिए आप चाहते हैं कि आप फ्रीज करके रख दें और जब इमरजेंसी में गेस्ट आए, कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि इन्फॉर्म किए बगैर आते हैं, तो अगर उनकी के लिए आप बना के रखना चाहते हैं तो आप कच्चे ऐसे सीख कबाब जो है बना के फ्रीज कर दें। जब गेस्ट आए तो उस वक्त गर्मा गर्म तैयार करें, उनके सामने पेश कर दें। बहुत ही मज़े के ये सॉफ्ट तैयार हो रहे हैं। आप भी इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी, साथ साथ मैं इसको टर्न कर रही हूँ। एक तरफ से इनका कलर बड़ा अच्छा प्यारा आ गया है, अब दूसरी तरफ से हम इनको तैयार कर रहे हैं। सीख अब हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम वन बाय वन इनको डिश आउट करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कैसे लग रहे हैं तैयार होके। ये देखें जी, हमारे बहुत ही मज़े के जूसी सी कबाब बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे, जायके में भी बहुत ही बेहतरीन है। यकीन जाने आप ये ट्राई करेंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपकी रेसिपी क्या है। बनाएं, ट्राई करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, इंजॉय करें। कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, ताकि मैं नेक्स्ट और भी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं लेकिन जायके में बहुत ही लाजवाब होती हैं। आज की रेसिपी और आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।